ओके, तो मेरे साथ मौजूद हैं तीन जाने पहचाने चेहरे, फाखिर को तो आप जानते ही हैं, साथ साथ गिलानी भाई को भी आप जानते ही हैं, और मोहिब को कौन नहीं जानता। तो तीनों यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त रेड कार्पेट पर लाहौर से आगे के, थोड़ी देर बाद पहली दफा हम लोग लाहौर से आगे को देखने जा रहे हैं। बाकी बात इनसे करते हैं, इन लोगों का क्या कहना है। जी फाखिर, क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि पिछली फिल्म बहुत अच्छी थी एंड इसका तो म्यूज़िक भी ऑलरेडी हिट हो गया एंड मैं तो समझ रहा हूँ कि ये फिल्म कोई कमाल ही हो जाएगा इंशाल्लाह। एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड विशिंग बेस्ट ऑफ लक टू वजाहत एंड द होल टीम। जो प्रोमो या ट्रेलर देखा उससे तो बड़ी फिल्म बड़ी अच्छी लग रही है और मेरी दिली तमन्ना है, दुआ है कि वजाहत की ये फिल्म भी, सेकेंड भी जो फिल्म है, ये सुपर डुपर हिट जाए और सबा को, यासिर को, जिसमें जितने भी हमारे सारे सीनियर्स हैं, बहरोज भाई, रुबीना आपा, सबको एडवांस में मुबारकबाद। अभी फिल्म देख ही नहीं है, देखने जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इस वक्त इंडियन कंटेंट भी और इंडियन फिल्म्स भी नहीं लग रही हैं। कुछ लोगों का कहना है आपकी मुझे भी ज़रा अच्छी लग रही है। एक जवाब से पहले रुकिए, 9 बज गए, शुरू कर दे। आपकी बात काट दी, आप जवाब। नहीं नहीं, वो मूंछों की तारीफ कर रहे थे। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि मेरे डीपी बड़े फेवरेट हैं, असरात, जिन्होंने फिल्म शूट की है। बाकी तो सारे चैंपियंस चैंपियंस और चीते हैं इसमें, अच्छी होगी। और बाकी लोगों से सिर्फ मेरी गुजारिश है कि अच्छा टाइम है पाकिस्तानी फिल्मों के लिए, ज़रूर अपनी राय से आगाह करें कि अच्छी है बुरी है, ज़रूर बोलें, लेकिन जो ये सफ़र चल रहा है उसमें हमारे साथ ज़रूर है। थैंक यू।